नमस्कार, मैं शमी और आप सुन रहे हैं SM न्यूज हिमाचल। हार्ट अटैक आने से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में निधन। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात को निधन हो गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। निधन से 3 घंटे पहले सुषमा जी ने एक ट्वीट में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, जीवन में इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। मोदी ने कहा कि सुषमा जी का निधन मेरे लिए निजी क्षति है। सुषमा का पार्थिव शरीर एम्स से उनके घर ले जाया गया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि बुधवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सुषमा के पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय में रखा जाएगा। मोदी जी ने उनके निधन पर कहा कि भारतीय राजनीति के एक गौरवपूर्ण अध्याय का अंत हो गया। गरीबों और समाज के लिए जीवन देने वाली अद्वितीय नेता के निधन पर पूरा भारत दुखी है। सुषमा स्वराज जी अपनी तरह की अकेली इंसान थी। वे करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत थी। इससे पहले सुषमा ने कश्मीर मुद्दे पर फैसले के लिए 3 घंटे पहले ही मोदी जी को बधाई देता ट्वीट किया था।